वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा में वॉइस ऑफ एमपी की टीम मौजूद है, आइए बात करते हैं युवाओं से। हाँ सर, नमस्कार। विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी मालवा की लाल मट्टी पर पधार रहे हैं। आज बड़े हर्ष उल्लास का दिवस है और बड़े कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, युवा बुजुर्ग सभी में जोश। युवाओं में किस तरह का जोश? युवा में बहुत जोश है और बड़ी उल्लास के साथ बड़ी युवा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। युवाओं के लिए मोदी जी के विजन को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी का बोर्ड तो राम मंदिर से पक्का है, इस बार 2024 में राम मंदिर बना दिया, सब कुछ हो गया हमारे। और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी गाँव में, सड़कें बनाई, चंबल का पानी आया गाँव में, तो मोदी जी के द्वारा हमारे बहुत काम हुआ। जैसे अभी हमारी मम्मी को ही जैसे हर महीने हर 10 तारीख को 1000-1000 रुपये मिल रहे हैं, जिससे भी युवाओं को फायदा है। घर में कुछ जैसे गैस की टंकी हुई, युवाओं को क्या फायदा है? युवाओं को रोजगार मिला है मोदी जी के राज्य में। हाँ, और सब सरकारी नौकरी। युवाओं को लेकर क्या मोदी जी आ रहे हैं, क्या उत्साह है, किस तरह से युवा खुश है और क्या? मोदी जी से सभी तो आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, युवा खुश है तो आते हैं। और सबसे बड़ा उनका वर्ल्ड लीडर बहुत बड़ा युवाओं को पसंद है। सही बात है, सबसे बड़ी बात। बेटा तुम भी आए हो, मोदी जी के लिए आए हो, क्या कहेंगे? मोदी जी आएंगे, उनको देखेंगे आप। हाँ, क्या बोलेंगे? अच्छा, क्या बोलेंगे, क्या उम्मीद रख रहे हो? बहुत आशा उनसे। अच्छा अच्छा, हाँ उनसे बहुत आशा है। सबसे बड़ी बात है आप अपने को खुश किस्मत समझते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और जो विश्व में नंबर एक पे है, जो आज निमस की धरती पे आ रहे थे, हम उनका स्वागत करते हैं और युवाओं को एक संदेश देते हैं। युवाओं में एनर्जी आती है कि मोदी जी आ रहे, मतलब देश के विश्व के सबसे बड़े नेता और हिंदू राष्ट्र के नेता, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए सभी युवा आ रहे हैं। सर मोदी है तो मुमकिन है, और इससे आज ज्यादा क्या बोले। अच्छा, मोदी जी ने वो कारनामा कर दिखाया जो विश्व में आज तक कोई नहीं कर पाया, अमेरिका भी उनके आगे झुक गया। जो बंदा 500 साल बाद राम मंदिर बना सकता है, वो आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र को घोषित करेगा, ये अपेक्षा है मोदी क्षेत्र की। सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मोदी जी के नेतृत्व में, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा। आज मोदी जी आएंगे पूरे मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ कांग्रेस का। ये युवाओं का कहना था, युवाओं ने रोजगार को लेकर बात कही, मूलभूत सुविधा और विकास को लेकर बात कही, और युवाओं का ये भी कहना है कि मोदी जी आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा लाभ होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी।